सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड अपडेट। दोस्तों मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार अपडेटेड खबरों के बारे में जो आप सभी को जानने को मिलता है। मैं जानती हूँ आप सभी इन्हीं सारी खबरों को लेकर हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, अपने फेवरेट सितारों के बारे में जानने के लिए हमेशा उतावले नजर आते हैं और इसी वजह से मैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आती हूँ। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से बड़े सितारे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए हुए हैं, लाइमलाइट में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और आज रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की दो बार शादी होगी, आज होगी साउथ इंडियन स्टाइल से और कल होगी सिंधी रीति रिवाज से। यानी कि आज जो शादी होगी वो होगी दीपिका पादुकोण के स्टाइल से और जो कल शादी होने वाली है वो होगी रणवीर सिंह के स्टाइल से। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब दीपिका और रणवीर की दो शादियां हो रही हैं तो भाई क्या दीपिका की विदाई भी दो बार होगी और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दीपिका किस तरीके से विदाई करती है, क्या उनकी एक विदाई होगी या फिर दो विदाई होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा कहना है कि भाई जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की दो रीति रिवाज से शादी हो रही है तो भाई तो अगर उन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई इस शादी में तो दो विदाई पक्की मानी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी है, लेकिन शादी से पहले फैंस के लिए काफी बड़ी बुरी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल अब इन दोनों के फैंस शादी की एक भी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। दरअसल दीपिका और रणवीर अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहते थे। संगीत सेरेमनी से एक फोटो सामने भी आई थी जो कुछ देर बाद ही डिलीट की गई। जी हाँ, दीपिका रणवीर की शादी में मेहमान बनकर पहुंची सिंगर हर्षदीप कौर ने वेडिंग वेन्यू से अपने पति के साथ एक फोटो शेयर की थी जिसे उन्होंने कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि किसी भी रस्म की फोटो सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर हर्षदीप ने अपने पति के साथ शेयर की हुई फोटो डिलीट कर दी तो दीपिका रणवीर की फोटो सामने आना बेहद मुश्किल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह और दीपिका आज शादी रचाने वाले हैं तो वहीं फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ये दोनों अपनी शादी कैसी ड्रेस पहनने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें हाल ही में खबर सामने आई है कि रणवीर सिंह शादी में एक ऐसी ड्रेस पहनने वाले हैं जिससे वो अपनी होने वाली पत्नी और मस्तानी दीपिका पादुकोण को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इसे लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये तो हम सभी को मालूम है कि दोनों के शादी के आउटफिट डिजाइनर सब्यसाची ने तैयार किए हैं। इसके अलावा अब रणवीर सिंह के शादी के जोड़े को लेकर कुछ और बातें सामने आई। रणवीर सिंह ने शादी में कांजीवरम शेरवानी पहनने वाले हैं। वहीं इससे पहले दीपिका को लेकर खबर आई थी कि वो लाल रंग का लहंगा पहनने वाली हैं। दोनों के कपड़ों पर धागे का बारीकी से काम किया गया है और रणवीर दीपिका को अपनी शादी में कड़ी टक्कर देने वाले हैं। सभी से इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मस्तानी और बाजीराव आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन हाल ही में
दीपिका के मेहंदी का वेन्यू सामने आया, जिसे देखकर यकीनन आपके भी होश उड़ सकते हैं। दीपिका रणवीर से जुड़ी काफी सारी डिटेल्स अभी तक सामने आ चुकी हैं। अब हम उस वेन्यू की तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं जहां दीपिका की मेहंदी की रस्म हुई है। इटली के लेक कोमो के किनारे बने इस बेहद आलिशान वेन्यू पर दीपिका के हाथों पर रणवीर सिंह के नाम की मेहंदी लगी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये वेन्यू बेहद ही खूबसूरत है और इसी जगह दीपिका ने अपने होने वाले पति रणवीर सिंह के नाम मेहंदी लगाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी कि 14 नवंबर दीपिका और रणवीर सिंह साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी रचाने जा रहे हैं, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह की दूसरी शादी भी होने जा रही है और इससे दीपिका और उनके परिवार वालों को ठहरा सदमा भी लग सकता है। जी हां, दरअसल आज दीपिका और रणवीर की शादी साउथ इंडियन रीति रिवाज से होगी, तो वहीं 15 यानी कि कल इन दोनों की शादी सिंधी रीति रिवाज से की जाएगी। और तो और वहीं ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सिंधी रीति रिवाज की कुछ रस्में ऐसी होंगी जिससे दीपिका के परिवार वालों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसी रस्में पहले शायद नहीं देखी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सिंधी रीति रिवाज की शादी में क्या क्या रस्में होती है। पहली रस्म होती है कच्ची मिश्री। दरअसल इस रस्म में लड़का और लड़की की शादी फिक्स होने के बाद ये पहली फॉर्मल मीटिंग होती है दोनों परिवारों के बीच। फिर होती है पक्के मिश्री की रस्म, ये एक फॉर्मल एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। वही आपको बता दें, इसके बाद एक और रस्म होती है, वो है देव बिठाना। देव बिठाना एक रस्म है जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर होती है। इस सेरेमनी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों शादी तक घर से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद एक रस्म आती है लाड़ा। पंजाबी में जैसे संगीत सेरेमनी होती है, वैसे ही ये लाड़ा सेरेमनी होती है। फिर उसके बाद रस्म आती है टिही। इस रस्म के मुताबिक दुल्हन की साइड से जो पंडित होते हैं वो दूल्हे के घर चावल, चीनी, मसाले, 21 मिठाइयां, नारियल, 9 खजूर और हरे रंग की सिल्क का धागा लेकर जाते हैं। फिर वो दूल्हे के घर पर पूजा करते हैं। शादी से पहले वनवास, मेहंदी, जैन्या, सागरी और घरी पूजा जैसी रस्म होती है। शादी वाले दिन हल्दी, गरे, धागे, बारात, जयमाला, पाली पल्लो, हथियालो, कन्यादान, फेरे और सब पादी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की आज शादी है, तो वहीं आपको बता दें आज और कल दोनों दिन दीपिका और रणवीर शादी रचाने वाले हैं। यानी कि एक शादी होगी दीपिका के रीति रिवाज से और दूसरी शादी होगी रणवीर सिंह के रीति रिवाज से। लेकिन अगर बात की जाए आज वाली शादी की, तो आपको बता दें आज दीपिका पादुकोण दक्षिण भारतीय यानी कि साउथ इंडियन रीति रिवाजों के अनुसार शादी करेंगी और 15 नवंबर को पंजाबी रीति रिवाज से आनंद कारज की विधि के अनुसार शादी की जाएगी। शादी की सारी रस्में शुरू हो चुकी है और दीपिका बेहद ही खूबसूरत नजर आने वाली है आज साउथ इंडियन स्टाइल में। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार अपडेट खबरों से रूबरू करवाया, जिसमें आप सभी को दीपिका रणवीर के बारे में भी जानने को मिला और भी कई बड़ी बड़ी तमाम खबरें जानने को मिली। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए तो दे दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही कुछ बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार अपडेटेड खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।